अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि दुश्मन के घर को तबाह करने वाली तावीज़। लेकिन इससे पहले किस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ रस करूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है। टोना जादू सिप्ली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम देते हैं। मतलब नाजरीन, हमारे क्लासेज ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा रब्ता नंबर है 9696824150। अगर आप अमल सीखना चाहते हैं या अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर मुलाकात करें या हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है वो दुश्मन के घर की तबाही का अमल है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट और गुजारिश थी, उसी गुजारिश और रिक्वेस्ट को पेश नज़र रखते हुए ये अमल, ये तावीज़ आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। अगर दुश्मन ने नाजायज़ तरीके से आपको तंग कर रखा है या परेशान कर रखा है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है उसकी वजह से, तो आप उसे बदला लेना चाहते हैं या फिर उसको वैसे ही करना चाहते हैं जैसे उसने आपको तबाह किया, तो उसके घर को बर्बाद करने के लिए या फिर आपस में इख्तलाफ पैदा करने के लिए या फिर उसके कारोबार को बंद करने के लिए या फिर उसके बिजनेस को जो है बर्बाद करने के लिए, इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। करना क्या है, सबसे पहले तो पाक साफ हो जाएँ, बेहतर है कि रूह क़िबला बढ़ जाए। दिन के उजाले में ये अमल अंजाम दीजिएगा। रात में बिल्कुल भी इसको तावीज़ को लिखना नहीं है। लिखने से पहले चार मरतब आयतुल कुर्सी और चार मरतब चार रुकुल शरीफ पढ़ करके और सात मरतब दुरूद शरीफ पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें। फिर उसके बाद काले पेन और लाल पेन, सफ़ेद कागज़ पे इसको लिखने का आगाज़ करें। पहले लिखें 5 6 1, फिर 5 8, फिर 7, इस तरीके से लिखें। पूरी तावीज़ इस तरीके से लिखना है और जो लाइन है काली पेन से वो काली पेन से, और फिर उसके बाद जो रेड है वो रेड पेन से लिखेंगे। फिर जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो दुश्मन के नाम का अदद और उसके माँ के नाम का अदद निकाल करके इसके पीछे जो है तावीज़ के लिखें, और लिखने के बाद इसे 3 रात तक कंटिन्यू जलाएँ। पहली रात को जलाएं, दूसरी रात को जलाएं, फिर उसके बाद आप अपनी आंखों से खुद उसकी तबाही का मंज़र देखेंगे, उसकी बर्बादी का मंज़र आपकी आंखों के सामने नज़र आ जाएगा। आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे, आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, उसका कारोबार डूब जाएगा, वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना रजत भी हो सकती है और आपका नुकसान भी हो सकता है। बजाय वो बर्बाद होने के आप बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल करें, बहुत पावरफुल अमल है। अगर तावीज़ का सहारा लेना चाहते हैं तो इस तावीज़ कर लें, और अगर कोई जिक्र करना चाहते हैं तो या कहारो या जब्बारो का विर्द करें। दुश्मन का तस्वूर करके दुश्मन बर्बाद और तबाह हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।